वेलकम टू शिल्पीज किचन। आपका शिल्पी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पीज किचन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेरमी पूरी, जो काफ़ी खास्ता है और टेस्टी है। इसे हम उड़द दाल की कचौड़ी भी कहते हैं, या आप इसे पूरी भी कह सकते हैं। इसे किसी भी फेस्टिवल पर बनाएं, ये काफ़ी टेस्टी और यमी लगते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है। चलिए इसे बनाते हैं, देख लेते हैं इसे हमें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैंने उड़द दाल लिया है, जिसे मैंने 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और ये फूल चुका है। साथ में 1 कटोरी हम गेहूं का आटा लेंगे, 1/2 कटोरी मैदा लेंगे, 3 चम्मच मैंने सूजी लिया है, इसे पूरी और खास्ता और क्रिस्पी बनेंगे। मसालों में देखते हैं क्या लेंगे। मैंने कसा हुआ अदरक लिया है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। कुटा हुआ धनिया लूँगी मैं, साथ में आमचूर पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, और साथ में मैं रिफाइन ऑयल लूँगी पूरी को तलने के लिए और आटे में मोइन के लिए भी लूँगी। अब हम एक पॉट ले लेंगे बर्तन में। अब हम 1 कप अपने आटा, 1/2 कटोरी मैदा, आप इसे सिर्फ आटे में भी बना सकती हैं, साथ में सूजी मैंने ली है। मैंने सूजी इसलिए इसमें डाला ताकि ये पूरी और क्रिस्पी बने, कुरकुरी बने। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखिए, मैंने बीच में इस तरह से नमक डाल लूँगी मैं स्वाद अनुसार। मैंने 3 छोटी चम्मच तेल भी डाल लिया है इसमें मोइन के लिए। इसे अच्छी तरह से अपने हथेलियों के सहायता से इसे मसल लें अच्छी तरह से। इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, उसके बाद हमें इसमें पानी डाल के इसका आटा गूंध लेना है। पहले अच्छे तरह से सारे चीज़ों को मिक्स कर लें आप। देखिए, मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ हथेलियों के सहायता से। उसके बाद पानी डाल के धीरे धीरे इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट भी देंगे। हमारा आटा गूंद कर तैयार है, हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, इसमें सारा उड़द दाल हम डाल के एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें ऑयल डाल लूँगी। मैंने कटा हुआ अदरक डाला है, बारीक कसा हुआ अदरक। साथ में कुटी हुई धनिया डाली हूँ मैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लें। उड़द दाल डाल लूँगी अब और इसमें मिक्स करके कर लेंगे इसमें सारे मसालों को अच्छे से। हमारा उड़द दाल मसालों के साथ अच्छे से भूनकर तैयार है। आप इसे चक्कर भी देख सकती हैं कि ये अच्छे से भुना है या नहीं, इसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। आप एक बार खा के टेस्ट कर लें, नमक कम है, मिर्च कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। हमारा उड़द दाल का मिक्सचर तैयार है। मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही आप इसे आटों में भरें। मैंने आटा का लोइया तैयार करके रख लिया है, आप इस तरह से सारे फिलिंग्स इसमें भर दें। भरने के बाद इसे हम पूरी बनाएंगे, इसे बेल लेंगे अच्छे से।
ध्यान से भरें, कहीं से फटना नहीं चाहिए। इस तरह से आप इसमें आटा लगा के इसे पतला कर लें। बाकी का भी इसी तरह हम भर लेंगे। इसे हम बेल लेते हैं। मैंने सारे लोइयों में भर लिया है, हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, नहीं तो ये फट सकते हैं। जब इसे हम तलेंगे तो सारा तेल इसमें घुस भी सकता है, इसलिए ध्यान से इस तरह से बाकी का भी। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब एक एक करके इसमें हम अपनी पूरी डाल देंगे। हमारा गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए। इस तरह से किनारे में दबा दबा के आप इसे फुला लें अच्छे से। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। सावधानी से इसे पलट दें और इस पर इसे क्रिस्पी होने तक, रेड होने तक आप इसे तल लें। बाकी का भी इसी तरह आप पूरी तल लें। ये मैंने सारे पूरियों को इस तरह से तल लिया है जल्दी जल्दी। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए। पूरी देखिए इस तरह से तलकर तैयार है, और देखिए मैंने काफ़ी क्रिस्पी होने तक इसे तल लिया है। आप इसे सब्जियों के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, और अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।